नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं मूंग की फसल में लगने वाले एक विशेष कीट गलेरुसिट बीटल के प्रकोप के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, मूंग की फसल खरीफ की महत्वपूर्ण फसल है। इस कीट के प्रकोप से पत्तियों में गोल गोल छेद हो जाते हैं। ये कीट आकार में 2 mm से भी छोटा है और बहुत ही खतरनाक है। रात्रि के समय में एक्टिव होता है, दिन में दिखाई नहीं देता। दिन के समय ये मिट्टी के ढेलों के नीचे छिप जाता है और जब बारिश का मौसम होने के बाद नमी होती है तो इस कीट के ग्रब यानी लार्वा मूंग की फसल के जो पौधे हैं उनकी जड़ों के गांठों में प्रवेश करके जड़ों को खोखला कर देते हैं और इस प्रकार पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इस कीट से फसल को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो हमें बुवाई के पूर्व बीज उपचार करना ज़रूरी होता है। बीज उपचार आप मोनोक्रोटोफॉस 40 EC से कर सकते हैं, डाई सल्फोटोन 4% से भी कर सकते हैं। यदि उपचार नहीं किया है और खड़ी फसल में इस प्रकार का प्रकोप हो गया है तो आपको कीट के बारे में तो पता नहीं चलेगा और कीट दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि रात्रि के समय में बाहर आता है। तो मूंग की पत्तियों में यदि आपको गोल छेद दिखाई देते हैं, जैसे कि आप वीडियो में मूंग की पत्तियां देख रहे हैं, तो आपको मेनकोजेब और कार्बंडाजिम दोनों को मिलाना है और 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करना है और 5 से 7 दिन के बाद में स्प्रे को दोहराना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर यह जानकारी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। धन्यवाद।